सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब? आप सभी का वेलकम है पूनम कौर रेसिपीज में। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी सी एक स्वीट डिश की रेसिपी लाई हूँ, जिसे हम बहुत झटपट बनाएंगे और फटे हुए दूध से बनाकर तैयार करेंगे। तो फिर देर ना करते हुए चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो फ्रेंड्स, आज की जो रेसिपी है वो एक स्पेशल रेसिपी है, क्योंकि हमें मैं आपके साथ शेयर नहीं करने वाली थी, बट अनफॉर्चुनेटली जो मिल्क है ये ख़राब हो चुका है। मैंने इसे बॉईल करके फ्रिज में रखा था, बट क्या हो गया, 2 दिन हमने इसे यूज़ नहीं किया और गर्मी की वजह से ये दूध ख़राब हो चुका है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूँ, जो मैं हमेशा अपने घर पर बनाती ही हूँ। तो आज की जो रेसिपी है वो फटे हुए दूध से हम मिठाई बनाकर तैयार करेंगे, और इसके लिए यहाँ पर जो दूध है करीब 1.5 लीटर के करीब है, और ये फुल क्रीम दूध है। आपके पास जो भी मिल्क हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर तो ये दूध ख़राब हो चुका है, इसलिए मैंने इसमें कोई प्रोसेस नहीं किया है। अगर आप नॉर्मल दूध ले रहे हैं तो उसमें भी नींबू डालकर उसे ख़राब कर उसके बाद उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले इस दूध को हम उतना उबालेंगे कि हमें छेना और पानी अलग अलग दिखाई दे। अब आप देख रहे हैं इसमें अच्छी तरह से एक उबाल आ चुका है। एक उबाल के बाद भी आप फिर भी इसे 5 मिनट और उबालिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छेना हमें मिल सके। उसके बाद आपको बिल्कुल साफ दिखाई देने लगेगा, पानी अलग और छेना अलग। तो गैस का फ्लेम बंद कर लेते हैं और अब यहाँ पर हम एक छलनी रख लेंगे, इस तरह की पतली वाली छलनी, और सारा छेने वाला जो पानी है इसमें छान लेंगे ताकि पानी और छेना बिल्कुल अलग हो जाए। तो इस तरह से हम सभी को पूरे दूध को छान लेंगे। अब ये देखिए, दूध ख़राब हो जाता है या फिर अगर हम उसे इंटेंशनली ख़राब करते हैं तो उसमें एक स्मेल आती है। तो इसके लिए यहाँ पर स्मेल ना आए हमारी मिठाई में, आप बिल्कुल साफ़ पानी से, देखिए मैं साफ़ पानी से इस तरह से चलाते हुए कम से कम 4 से 5 बार इसे अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ख़राब दूध में हमेशा स्मेल आती ही है। इसलिए वो स्मेल ना आए हम अच्छी तरह से इसे वॉश कर लेंगे। जब अच्छी तरह से ये वॉश हो जाएगा तब इस तरह से चम्मच से दबाते हुए जितना पानी पॉसिबल होगा हम निकाल लेंगे। बस हमें इसमें रुमाल वाला प्रोसेस नहीं करना है, इतना ही कर अब हम इसे साइड में रख लेते हैं। तो चलिए अब हम अपनी मिठाई बनाना शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में 1/2 छोटा चम्मच देसी घी का ले लिया है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डायरेक्टली दूध का भी यूज़ कर सकते हैं, बट देसी घी से खुशबू और थोड़ा फ्लेवर भी अच्छा आता है। अब जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा हम यहाँ पर 1 कप के करीब दूध डालेंगे। आप 1-1 कप से मेज़रमेंट कर लीजिए, मैंने यहाँ पे 1-1 कटोरी से मेज़रमेंट किया है, तो मैंने 1 कटोरी भरकर इसमें दूध को डाल दिया। ये दूध मेरा पहले से ही उबाला हुआ था, बिल्कुल साफ़, मतलब ख़राब दूध नहीं है, बिल्कुल प्रॉपर दूध है ये। अब इसके बाद जब ये हल्का सा गुनगुना हो जाए, मतलब ये बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, 1/2 कटोरी मतलब 1/2 कप मान लीजिए आप, हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर का। तो ये देखिए मिल्क पाउडर धीरे धीरे डालते जाएंगे और इसे हम मिलाते जाएंगे। अब अच्छी तरह से मिल्क और मिल्क पाउडर में जब मिलकर एक उबाल आ जाएगा, ये देखिए इसकी थिकनेस भी बढ़ जाएगी, और जब इसमें एक उबाल आ जाए, ध्यान दीजिएगा मिल्क पाउडर आप धीरे धीरे डालेगा, कोशिश यही करें कि इसमें गुठलियाँ बिल्कुल भी ना पड़े। तो अब बस इसी स्टेज पर हमने जो छेना तैयार किया था, अब वो सारा छेना अब हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए सारा छेना हम इसमें डाल देते हैं और अब हम इसे कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। इसके बाद हमें कुछ नहीं करना, आप गैस का फ्लेम हाई रख सकते हैं, हाई फ्लेम पर आप इसे पकाइए, 5 से 7 मिनट लगेंगे। जितना भी दूध की क्वांटिटी आपको दिख रही है ना, ये सारी आपको ड्राई करना है, मतलब इस दूध को पूरा अच्छी तरह से सुखाना है। तो आप हाई फ्लेम करके रखिए, बीच बीच में चलाते रहिए और ध्यान दीजिएगा कि ये नीचे से लगे ना, जब तक ये दूध अच्छी तरह से सूख ना जाए। तो बस इस प्रोसेस को मैं थोड़ा फास्टली दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए धीरे धीरे ये काफ़ी गाढ़ा होने लगा है, क्योंकि इसमें मिल्क पाउडर था। मिल्क पाउडर से क्या होता है, खोए जैसा टेस्ट भी अच्छा सा आता है और साथ ही एक स्मूथ सा फ्लेवर भी आता है इसमें। तो अब थोड़ी देर तक इस तरह से मिलाते रहेंगे। अब थोड़ी देर के बाद जब आपको लगे कि दूध ऑलमोस्ट सूख चुका है, मतलब थोड़ा सा ये दूध बाकी रह गया है, काफ़ी हद तक जो दूध है वो सूख चुका है, देख पा रहे हैं छेना छेना काफ़ी ऊपर आ चुका है,
तब इस स्टेज पर, मतलब ऑलमोस्ट सेकेंड लास्ट स्टेज है ये, इस स्टेज पर हम शुगर डालेंगे। शुगर वैसे आप अपनी मर्ज़ी से डालिए, जितना मीठा आप पसंद करते हो, ज़्यादा मीठा या कम मीठा। मैं यहाँ पर आधे कप के करीब शुगर डाल रही हूँ क्योंकि मैं इसमें थोड़ा अच्छा मीठा पसंद करती हूँ इसके लिए। और ये मेरे और मेरे हस्बैंड की तो लिटरली बहुत ही फेवरेट डिश है, हम इसे बड़े ही शौक से खाते हैं। जैसे ये बनती है ना, हम इसके दो हिस्से कर लेते हैं, ये आपका ये मेरा। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपको बहुत पसंद आएगी। अब हमने इसमें शुगर डाल दी। शुगर डालने के बाद क्या होगा, इसमें पानी की मात्रा थोड़ी सी बढ़ जाएगी, वो शुगर सिरप की वजह से होता है। जैसे ही शुगर जाती है तो मेल्ट हो जाती है, तो थोड़ा सा वक्त आपको ज़्यादा लग जाएगा, 5 से 7 मिनट और लग जाएंगे। बट आपको जब तक ये पानी अच्छी तरह से सूख न जाए तब तक इसे पकाना है। साथ ही शुगर डालने के बाद गैस का फ्लेम आप लो कर दीजिए या मीडियम कर दीजिए, क्योंकि शुगर डालने के बाद ये जो छेना है ये कढ़ाई में लगने लगता है नीचे, इसकी वजह से। तो जब तक वहाँ पे हमारा खोआ ड्राई हो रहा है, तब तक यहाँ पे हम एक मोल्ड सेट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगुलर शेप का एक मोल्ड ले लिया है, और वैसे हमेशा मैं बटर पेपर लगाती हूँ इसमें ताकि मिठाई को हम आराम से निकाल सकें, पर बटर पेपर ज़्यादातर अवेलेबल नहीं होता है सभी के पास, इसीलिए आज मैं फॉइल पेपर इसके ऊपर लगा रही हूँ। ये देखिए, अच्छी तरह से इसको स्क्वायर शेप देते हुए हम इसके ऊपर फॉइल पेपर लगा देंगे। फॉइल पेपर इसलिए लगाते हैं ताकि जब हमारी ये मिठाई बनकर बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो जाए तब हम इसे मोल्ड से बाहर निकाल सकें। तो इस तरह से हम इसे रेडी कर लेते हैं। फॉइल पेपर सभी के पास होता है, कोई भी आप चाहें तो मोल्ड ना हो तो किसी भी गोल प्लेट में, स्क्वायर प्लेट में भी आप इसे फॉइल को ज़रूर लगाएं ताकि आप मिठाई को बड़े ही आराम से निकाल सकें। तो अब ये रेडी हो चुका है, और वहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा खोआ अच्छी तरह से ड्राई हुआ या नहीं अभी तक। तो ये देखिए, काफ़ी हद तक, मतलब ऑलमोस्ट 95% तक ये ड्राई हो चुका है। अब अगर इसके बाद आप इसे और पकाएंगे ना तो नीचे से ये ब्राउन होने लग जाएगा, अपना कलर बदल देगा। तो अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा और क्रिस्पी बने ये मिठाई तो आप इसे थोड़ा और पका लीजिए, बट यहाँ तक मुझे बिल्कुल बेस्ट लगता है। जब सारा पानी दूध सब सूख जाए तब हम इस कढ़ाई का गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, और अब इस सारे मिश्रण को, हमने जो फॉइल वाला पेपर सेट किया था ना, अब ये सारा अब हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए, सारे मिश्रण को डालते जाएंगे, फैलाते जाएंगे। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना, बस इसे थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे चम्मच से, और चाहें तो आप इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऊपर से डाल दीजिए, डेकोरेट कर दीजिए। इस मिठाई को सेट होने में कम से कम 1 से 2 घंटे लग जाते हैं ताकि बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडी होकर ये सेट हो जाए। 1 से 2 घंटे आप किसी भी रूम टेम्परेचर पे कहीं पे भी आप इसे ढक्कन लगा कर रख दीजिए। उसके बाद आप इसे कट कर कर बड़े ही आराम से सर्व कर सकते हैं, साथ ही ये खाने में भी बड़ी स्वादिष्ट लगती है। तो ये देखिए, अब मैंने सारा मिश्रण डाल दिया। अब मैं ऐसे इस तरह से चम्मच से दबाते हुए प्रेस करेंगे हम ताकि सभी जगह इक्वल हो जाए ये। जब सभी जगह से इक्वल हो जाएगी तो अब हम इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऊपर डाल देते हैं। मैंने यहाँ पर पिस्ता का इस्तेमाल किया है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, चाहे तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये मिठाई ऐसे ही इतनी स्वादिष्ट लगती है कि ड्राई फ्रूट्स की नीड ही नहीं है। अब बस अब हम इसे थोड़ी देर के लिए, मतलब ऑलमोस्ट 2 घंटे के लिए रख देंगे, उसके बाद हम इसे जैसे भी चाहें वैसे पीसेस में कट कर लेंगे। तो अब ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो चुका है, 1.5 से 2 घंटे के बाद हम इसको इस तरह से फॉइल से बाहर निकालेंगे और उसके बाद इसे कट करेंगे। तो ये देखिए, बड़े आराम से बिल्कुल परफेक्ट शेप में ही आ जाती है। आप देखिए, क्योंकि इसमें शुगर का यूज़ होता है तो बिल्कुल फॉर्म, एक परफेक्ट फॉर्म के शेप में भी ये रेडी हो जाती है। तो आप इसे अपने घर पर एक बार ज़रूर बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में सभी को ये मिठाई कैसी लगी।
तो देखा आप सभी ने, इस तरह से हम बहुत ही सिंपल तरह से ये फटे हुए दूध का कलाकंद बनाकर तैयार करेंगे। ये एक ऐसी मिठाई है जो मेरे घर में सभी को बहुत पसंद है। आप इसे अपने घर पर एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे भी कमेंट्स में नीचे लिख के बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है ना, उसे क्लिक करते ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास मेरे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो अब मैं आपके साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।